नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पैरालिसिस के बारे में बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैरालिसिस या लकवा बहुत ही आम बीमारी है। आप हर दूसरे तीसरे दिन सुनते होंगे कि किसी ना किसी को लकवा मार दिया। मेरे यहाँ हर दिन कोई ना कोई एक पैरालिसिस का पेशेंट ज़रूर आता है। और इंडिया में दोस्तों हर 40 में से एक आदमी लकवा का शिकार होता है, उसको पैरालिसिस की बीमारी होती है दोस्तों। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं, बहुत सारे मसल्स होते हैं, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग करके मसल को फुलाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करके मसल बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं, और अगर ये मांसपेशियाँ अपना काम करना बंद कर दें तो इसको पैरालिसिस बोलते हैं दोस्तों। तो पैरालिसिस में दोस्तों या एक मसल काम करना बंद कर दे, एक मांसपेशी काम करना बंद कर दे, या वहाँ पर दो से तीन मांसपेशियाँ काम करना बंद कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे हाथ में पैरालिसिस या लकवा मार दिया है तो मेरी हो सकता है कि सिर्फ एक मसल, यहाँ की ये जो वाली जो मसल आपकी जा रही, ये जो मांसपेशी है वो काम करना बंद कर दे, या हो सकता है कि पूरी हाथ की मांसपेशी ही काम करना बंद कर दे और मैं हाथ को हिला भी ना पाऊँ। तो कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग दो तरह के सिस्टम का उपयोग करता है। पहला होता है सेंसरी सिस्टम, जिससे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं ये पकड़ा हुआ हूँ, तो ये होता है सेंसरी सिस्टम। और दूसरा होता है दोस्तों मोटरी सिस्टम, मतलब हम जिससे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना हाथ ऐसे बढ़ा रहा हूँ और ये उठा रहा हूँ, तो जब ये मैं उठा रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और ये मैं मोटरी सिस्टम के थ्रू कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर सेंसरी नर्वस सिस्टम या मोटरी नर्वस सिस्टम अगर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे या थोड़ा सा काम करना बंद कर दे, मतलब वो अपना जो फंक्शन होता है, जो उनका काम होता है, वो या वो कम कर दे या पूरी तरीके से बंद कर दे, तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं दोस्तों। और इस कंडीशन के कारण मसल पूरी तरीके से अपना काम करना बंद कर देती है, हमारी मांसपेशियाँ पूरी तरीके से अपना काम करना बंद कर देती हैं, और ये दोनों कंडीशन को मिला के पैरालिसिस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पैरालिसिस क्या होता है। अब चलते हैं क्या कारण है पैरालिसिस होने के। दोस्तों लकवे का सबसे बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 110 है और इससे ऊपर जाता है तो आपको लकवा मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में स्ट्रोक बोलते हैं, और स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर हमारा ब्लड प्रेशर 200 मतलब सिस्टोलिक जो है 200/120 से ऊपर हो जाए और हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसमें उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ के सेल को, वहाँ की कोशिकाओं को वो डैमेज कर दे, वो ख़राब कर दे। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आर्टरी जो है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं जिससे खून सेल्स तक जाता है, वो फट जाएँ, और जब वो फट जाती हैं तो वहाँ के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं ब्रेन के। और जिस तरफ के सेल्स ख़राब हो जाते हैं ब्रेन में, दिमाग में, दिमाग इतना बड़ा होता है, अगर हमारे दाएं साइड के सेल्स जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो हमारे बाएं साइड में पैरालिसिस हो जाएगी। हमारे पूरा शरीर, जो बायां शरीर है, वो पूरा लकवा ग्रसित हो जाएगा और हमें बाएं साइड में लकवा मार देगा दोस्तों। दूसरा बड़ा कारण है लकवा मारने का हेलमेट नहीं पहनना या सीट बेल्ट नहीं लगाना। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि एक्सीडेंट के कारण भी लकवा मार देता है। अगर हम हेलमेट ना पहने और हम बाइक से गिर जाएं, हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाए, तो हमें लकवा मार सकता है। और एक कॉज है दोस्तों नर्व इंजरी। तो कुछ बीमारी है जिससे हमें पैरालिसिस होती है, उसमें से एक बीमारी है पोलियो, दूसरी बीमारी है दोस्तों सेरिब्रल प्लेजी, तीसरी बीमारी है दोस्तों पेरिफेरल न्यूरोपैथी, चौथी बीमारी है दोस्तों पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म के केस में भी पैरालिसिस हो जाता है। और पांचवी बीमारी है दोस्तों गुलेनबर्ग सिंड्रोम, GBS बोलते हैं उसको, और GBS के केस में भी पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है और जिसके कारण भी हमें पैरालिसिस हो जाता है। तो ये कुछ बीमारी थी जिनके कारण हमें पैरालिसिस होती है। मोस्टली अगर हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाए या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जिससे पूरा ब्रेन जो है
स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे शरीर को संचालित करता है। अगर वहाँ पर डैमेज हो जाए तो हमें पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कॉजेज, ये थे कारण पैरालिसिस के। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण की तरफ कि अगर आपको पैरालिसिस होगा तो क्या दिखेगा और क्या महसूस होगा। तो पैरालिसिस होने से पहले आपको बोलने में लड़खड़ाहट सी महसूस होगी और आपका एक चेहरा जो है वो ऐसे सुन्न पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि आपका चेहरा सुन्न पड़ जाए और आपको बोलने में लड़खड़ाहट सी महसूस हो। अगर आपको ये सब होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, बीपी चेक कराएं और डॉक्टर से पूछें कि क्या ये पैरालिसिस है कि नहीं है या मेरे को पैरालिसिस होने वाली है कि नहीं है। तो ये दो साइन मतलब बोलने में लड़खड़ाहट और सुन्नपन, कहीं भी नमनेस, आपको चेहरे में सुन्नपन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे आप पैरालिसिस से बच भी सकते हैं। और मैंने एक वीडियो डाला था पैरालिसिस से बचने का, प्रिवेंशन फ्रॉम पैरालिसिस, तो वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूं, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको पैरालिसिस अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला साइन होता है बोलने में लड़खड़ाहट और सुन्नपन, नमनेस, मतलब आपको हाथ में सुन्नपन महसूस होगा, नमनेस महसूस हो सकती है। आपके पैरों में दोस्तों नमनेस महसूस हो सकती है और आपके दोस्तों जीभ में भी नमनेस सुन्नपन महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आपके चेहरे में भी नमनेस महसूस हो सकती है दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम है नमनेस पैरालिसिस का। उसके बाद जब हमें पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस या तो हमें लेफ्ट साइड में होगा या हमें राइट साइड में होगा, मतलब हमारा लेफ्ट साइड का हाथ जो है दोस्तों वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देगा, पैर जो है वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। हम उस हाथ या पैर से किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही हम किसी भी चीज़ को उठा पाएंगे, ना ही हम अपने पैर से चल पाएंगे, सीधा हम बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। अगर हमारे जीभ में पैरालिसिस हो गई तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमारा जो चेहरा है, जो आपको ये मेरा चेहरा दिख रहा है, वो एक तरफ से लटक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जो आँखों की ऐसी होती हैं और ये लटक जाता है चेहरा, ऐसा लटका हुआ चेहरा हो जाएगा पैरालिसिस के केस में। तो मेरे यहाँ काफ़ी पेशेंट्स आते हैं पैरालिसिस के और उनको मैंने हमेशा देखा है कि उनका चेहरा एक तरफ से थोड़ा सा ऐसा लटका हुआ रहेगा, जो भाव होते हैं वो ऐसे हल्की लटक जाएंगी। ये जो आपको उठा हुआ दिख रहा है वो उठा हुआ नहीं दिखेगा और ऐसा सा लटका हुआ आपको पैरालिसिस के केस में दिखेगा। तो दोस्तों ये कुछ होते हैं पैरालिसिस के सिम्टम्स, ये कुछ होते हैं लक्षण। मोस्टली पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा, और लकवा सभी जानते हैं कि लकवा मार देता है, काम करना बंद कर देता है, मोटर और सेंसरी सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। जहाँ भी आपको लकवा मारेगा उस एरिया में आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, मतलब किसी चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप किसी चीज़ को उठा पाएंगे और अपना हाथ पैर चला पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे पैरालिसिस मतलब लकवे के लक्षण। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए आर्निका, और आर्निका दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पैरालिसिस के केस में। खासकर अगर हमारे ब्रेन में हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया, और उसको ठीक करने के लिए आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आर्निका अगर हमारे दिमाग में थक्का जम जाए खून का, कैपिलरी फटने के कारण जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ पर कैपिलरीज फट जाती है तो वहाँ पर थक्का जम जाता है खून का, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है, और उस थक्के को ठीक करने के लिए आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आर्निका हमारे पूरे शरीर के खून के संचार को ठीक करती है दोस्तों, और इसीलिए आर्निका पैरालिसिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं रेगुलरली आर्निका प्रिस्क्राइब करता हूँ, आर्निका देता हूँ सभी पेशेंट को जिनको पैरालिसिस है। तो दोस्तों आर्निका आपको लेना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आर्निका आपको 200 पोटेंसी में लेना है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी मेडिसिन की आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में पड़ा हुआ है, और इसको आपको सुबह सुबह लिख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगा। आर्निका 200 दो बूंद सुबह सुबह आपको लेना है, तो दो बूंद आपको डायरेक्ट ऐसे खोलना है, सुबह सुबह दो बूंद आर्निका 200 लेना है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम, और हाइपेरिकम लकवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। और नर्व्स में, जो नर्व्स में इंजरी हो जाती है और जो नर्व सेल में इंजरी हो जाती है, खासकर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण और कैपिलरीज फटने के कारण जो हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स में इंजरी हो जाती है,
उस इंजरी को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नर्व इंजरी के लिए हाइपेरिकम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं होती है और इसीलिए ये पैरालिसिस में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। पैरालिसिस अगर एक तरफ का हो और ख़ासकर लेफ़्ट साइड का पैरालिसिस हो तो हाइपेरिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड नहीं बोलता, राइट साइड लेफ़्ट साइड कहीं भी पैरालिसिस हो तो हाइपेरिकम देना चाहिए, क्योंकि हाइपेरिकम नर्व की नसों की बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है, औषधि है दोस्तों। मैं रेगुलरली दोस्तों पैरालिसिस के पेशेंट को, लकवा जिनको मार देता है, उनको मैं हाइपेरिकम देता हूँ। हाइपेरिकम आपको लेना है 200 पोटेंसी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास हाइपेरिकम और ये भी मेडिसिन की मेरे पास पड़ी हुई है। हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में लेना है। मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगा तो देख लीजिएगा पिक्चर। तो हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में दोपहर में, आफ्टरनून में दो बूंद लेना है आपको, डायरेक्ट दोपहर में दो बूंद लेना है। तीसरी मेडिसिन है जैल्सीमियम। अगर हमारी मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएँ, वीक हो जाए, तो जैल्सीमियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और पैरालिसिस के केस में यही होता है। तो अगर आपको लंबे तक पैरालिसिस हो चुका है, मतलब 2-3 साल आपको पैरालिसिस हुए हो चुके हैं, लकवा मारे हुए 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, तो जैल्सीमियम आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। और पैरालिसिस के पेशेंट को दोस्तों मैं हमेशा जैल्सीमियम देता हूँ। जैल्सीमियम आपको देना है 200 पोटेंसी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास जैल्सीमियम 200 पोटेंसी में, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। जैल्सीमियम 200 पोटेंसी में दो बूंद आपको शाम को लेना है। तो जैल्सीमियम 200 दो बूंद शाम को लीजिए। और जैल्सीमियम मदर टिंचर भी लेना है दोस्तों, वो भी मैं पिक्चर लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैल्सीमियम मदर टिंचर को आपको आधे कप गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुना पानी ले लीजिएगा और जैल्सीमियम मदर टिंचर ले लीजिएगा। उसको आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको लेना है दोस्तों। एक मेडिसिन है कॉकुलस इंडिकस, और कॉकुलस इंडिकस भी पैरालिसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जिनको हैमी पैरालिसिस हुआ हो, मतलब लेफ़्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया हो या राइट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया होगा, राइट साइड में भी उनका हाथ भी काम करना बंद कर दिया है, पैर भी काम करना बंद कर दिया है, तो कॉकुलस इंडिकस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट के लिए मैं हमेशा ही कॉकुलस इंडिकस पैरालिसिस के पेशेंट को देता हूँ। कॉकुलस इंडिकस वही 200 पोटेंसी में आपको देना है, दो बूंद रात में। तो दो बूंद रात में कॉकुलस इंडिकस को दीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ और उसका नाम है कालीफॉस, और सभी उसके बारे में जानते हैं आप भी। और कालीफॉस नर्व टॉनिक है, मतलब नसों के लिए ये एक तरह की टॉनिक है और पैरालिसिस के पेशेंट को आपको देना ही चाहिए। कालीफॉस दिए बिना पैरालिसिस के पेशेंट को आप नहीं छोड़ सकते, कालीफॉस आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नर्व टॉनिक है। नसों में जो संचार होता है, नसों में, नर्व्स में जो संचार होता है उसको ये ठीक करती है, मोटरी सिस्टम को भी ठीक करती है और सेंसरी सिस्टम को भी ठीक करती है। तो मोटरी और सेंसरी क्या होता है ये आप जान चुके होंगे, और नहीं जाने तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ, मेरा एक वीडियो है तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटरी सिस्टम को भी ठीक करती है और सेंसरी सिस्टम को भी ये ठीक करती है। कालीफॉस दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपको 6x पोटेंसी में देना है कालीफॉस 6x, 6 गोली दिन में 3 बार रेगुलरली पेशेंट को दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों। ये थी पैरालिसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मैं रेगुलरली पैरालिसिस के पेशेंट को देता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ प्रिस्क्रिप्शन की मैं क्या देता हूँ। तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन हालांकि आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि आर्निका 200 दो बूंद सुबह सुबह देना है, हाइपेरिकम 200 दो बूंद दोपहर में देना है, जैल्सीमियम 200 दो बूंद आपको शाम को देना है, और कॉकुलस इंडिकस 200 आपको दो बूंद रात में देना है। साथ ही साथ आपको जैल्सीमियम मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार देना है, और साथ ही साथ आपको कालीफॉस 6x पोटेंसी में 6 गोली दिन में 3 बार देना है दोस्तों। ये मेडिसिन, आप ये सब मेडिसिन लगभग आपको 3 से 6 महीने तक लगातार देना है और बीच में गैप नहीं करना है। अगर आप बीच में गैप नहीं करेंगे और 3 महीने से 6 महीने तक लगातार ये मेडिसिन लेंगे तो आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। और एक मैं आपको सजेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप ये मेडिसिन लें तो साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी भी कराएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे कुछ एक्सरसाइज सीखें, और डेली आप एक्सरसाइज करें और कुछ गर्म पानी और ठंडे पानी से सेक ज़रूर करें। तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर आपको पैरालिसिस है तो ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और
फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी सीखनी चाहिए और फिजियोथेरेपी फिर घर में ही करनी चाहिए। तो अगर आप इन मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी भी कर दें, वो भी एक्टिव, ऐसा नहीं कि आप एक दिन करके छोड़ दें, तो ऐसा कुछ नहीं, एक्टिव फिजियोथेरेपी 2 से 3 महीने तक कर दें, तो आपका पैरालिसिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और एक सजेशन और कि अपना बीपी जो है वो कंट्रोल में रखें। तो आशा करता हूँ कि आपको पैरालिसिस जो है वो समझ में आ गया हो। अगर आपको पैरालिसिस हो तो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही डेली रोज़ होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज़रूरी है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपके किसी भी तरह के सुझाव या क्वेश्चंस हों पैरालिसिस को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।